साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे फेरिकाइंड एम सस्पेंशन। साथियों ये कॉम्बिनेशन सस्पेंशन है जिसमें फेरस एस्कॉर्बेट, फोलिक एसिड एंड मीकोबलामाइन का कॉम्बिनेशन है। साथियों इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, फेरिकाइंड एम सस्पेंशन है क्या, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस जिसको हम की बेनिफिट कह सकते हैं, की बेनिफिट के बारे में जानेंगे एंड डायरेक्शन फॉर यूज एंड डोजेस की बात करेंगे। साथियों सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, प्रिकॉशन इंट्रैक्शन की एंड व्हेन नॉट टू बी यूज फेरिकाइंड एम, ये कहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो साथियों फेरिकाइंड एम सस्पेंशन साथियों ये जो है लाइफ स्टार डिवीजन मैनकाइंड का जो है प्रोडक्ट है। साथियों ये जो है 170 ml की बॉटल है। साथियों ये ₹148.50 इसकी MRP है। साथियों डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है ये जो है सस्पेंशन फेरिकाइंड एम। साथियों ये जो है किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। तो साथियों फेरिकाइंड एम सस्पेंशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्शन जानेंगे। फेरिकाइंड एम सस्पेंशन इज एन आयरन सप्लीमेंट यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट आयरन डिफिशेंसी। कहने का मतलब है किसी प्रकार की खून की कमी मनुष्य के अंदर, मतलब ह्यूमन बॉडी में ब्लड डिफिशेंसी या ब्लड खून की कमी को जो है ये दूर करती है, मतलब उसकी समस्या से निजात दिलाती है और उसको एनीमिया कहते हैं। खून की जब कमी हो जाती है उसको कहते हैं आयरन। आयरन की कमी हो गई है कहने का मतलब है एनीमिया हो गई है। एनीमिया को ठीक करने के लिए फेरिकाइंड एम सस्पेंशन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। आइदर ड्यू टू क्रॉनिक ब्लड लॉस, जैसे क्रॉनिक ब्लड लॉस ऐसे होता है साथियों की डिलीवरी के बाद जैसे महिलाओं में बहुत ब्लड लॉस हो जाता है, या एक्सीडेंटल केस में या फिर ऑपरेशन के बाद ब्लड लॉस होता है, ऐसे केस में क्या होता है कि फेरिकाइंड एम सस्पेंशन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। और जिनको पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे खून बहुत कम होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, तो बीच बीच में क्या करते हैं डॉक्टर्स की जो है उसको जो है इसकी टैबलेट या जो है इसका सस्पेंशन जो है अपने हिसाब से रिकमेंड करते हैं। साथियों इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया ऑफ न्यूट्रिशनल ऑरिजिन प्रेगनेंसी। महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उसमें क्या होता है कि खून की कमी होती है, या जो इन्फेंट्स होते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर खून की कमी होती है, चाइल्डहुड एनीमिया होती है, बर्थ से जिनको खून की कमी होती है, या आयरन डिफिशेंसी एनीमिया होती है, या मेगा ब्लास्ट एनीमिया है, किसी प्रकार की जो है खून की कमी है उसको एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया के केस में क्या होता है कि फेरिकाइंड एम जो है इस्तेमाल किया जाता है। साथियों जो है कभी कभी क्या होता है कि एनीमिया ड्यू टू फोलिक एसिड, मतलब डिफिशेंसी ऑफ फोलिक एसिड, खून के अंदर फोलिक एसिड की कमी होती है और उससे जो है क्या होता है एनीमिया हो जाता है, ऐसे केस में क्या होता है फेरिकाइंड एम सस्पेंशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें फेरस एस्कॉर्बेट के साथ साथियों फोलिक एसिड भी जो है मिला हुआ है एंड मीकोबलामाइन जो नर्व्स को भी स्ट्रांग करता है और जो हमारा तंत्रिका तंत्र बॉडी का है उसमें भी जो है क्या होता है कि ब्लड फ्लो को और सर्कुलेशन को भी ये ठीक करती है। साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई है। साथियों इसके यूजेस की बात करेंगे हम जो है, तो यूजेस इसकी जो है साथियों क्या है कि इट इज़ यूज्ड इन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या फिर जो है मतलब उनके अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन डिफिशेंसी हो जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिन लोगों को, जिन मरीजों के अंदर जो है पुअर मतलब क्या कहते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसमें जो है एनीमिया की कम मतलब हो जाती है, एनीमिया डिफिशेंसी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ऐसे केस में इसको जो है क्या कहते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं। साथियों साथ ही साथ क्या होता है कि ये फैसिलिटेट एंड फॉर्मेशन ऑफ RBC सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का जो है निर्माण भी करती है। साथ ही साथ क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जो है क्या कहते हैं जो बच्चे का जो है फोइटस का निर्माण होता है, बच्चा जो डेवलप होता है, ऐसे केस में क्या होता है कि मदर्स और बच्चे को दोनों को जो है खून की कमी ना हो और खून की कमी को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों मेगा ब्लास्ट एनीमिया में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार की खून की कमी है उसकी जो है कमी को दूर करने के लिए फेरिकाइंड एम सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो साथियों ये देखिए इसमें जो है बोतल पे दिया हुआ है फेरस एस्कॉर्बेट, इसमें लिखा है कि इक्वल टू आयरन जो है फोलिक एसिड 30 mg जो है होता है, फोलिक एसिड 500 mcg एंड मीकोबलामाइन इसमें 500 mcg मिला होता है और सीरप बेस्ड क्वांटिटी सफिशेंट
मिला होता है। साथियों इसकी डोज की बात करेंगे, यूज फॉर डायरेक्शन की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है 1 टी स्पून ट्वाइस ए डे, कहने का मतलब है जैसे डॉक्टर अपने हिसाब से इसका डोज रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज प्रेग्नेंट महिलाओं में या एडल्ट पर्सन है जिनके अंदर खून की कमी हो जाती है उसमें एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, कहने का मतलब 5 ml मॉर्निंग एंड 5 ml इवनिंग या फिर एज डायरेक्टेड बाई फिजिशियन। साथियों सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो साथियों जो है इसको बच्चों की पहुँच से दूर रखें और जब भी जो है इसको परचेज करें तो इसकी एक्सपायरी जरूर चेक करें और बोतल देखें कि सील्ड पैक है कि नहीं है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे, साथियों इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो है स्टूल ब्लैक जो है होता है, साथ ही साथ क्या होता है GI गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है वो अपसेट हो जाता है और कभी कभी क्या होता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है और जो माउथ में जो है टंग होता है, टंग के जो बड्स हैं वो बड्स जो है क्या होता है उसमें टेस्ट में कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन होने के चांस होते हैं और किसी किसी पर्सन को जो है इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि फ्लेचुलेंस मतलब एक तरह से गैस बनने लगती है साथियों, और कभी कभी जो है क्या होता है कि किसी किसी मरीज को कन्फ्यूजन होता है मतलब कन्फ्यूज हो जाएगा कुछ खाएगा या कुछ भी है मतलब शॉर्ट मतलब छड़ी के ये लक्षण है साथियों। साथियों प्रकाशन की बात करेंगे, जब भी इस सीरप का इस्तेमाल करें अवॉइड एल्कोहल कंजप्शन और अगर इंटेस्टाइनल में इन्फ्लामेशन है तो इस सीरप का इस्तेमाल ना करें। तो साथियों जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट को किसी को दिखाएं ऐसे केस में क्या है कि अगर कोई पहले से दवा चल रही है या कोई बीमारी है तो तुरंत बताएं। इंट्रेक्शन की बात करेंगे साथियों, अगर विटामिन सी टैबलेट खा रहे हैं या एस्कॉर्बिक एसिड ले रहे हैं या जो है एल्कोहल जो है इसके साथ नहीं लेना, एस्प्रिन टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ नहीं लेना, बारबिट्यूरेट क्लास की दवा अगर कोई खा रहे हैं तो उसके साथ जो है फेरिकाइंड-M का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिट्रीजीन अगर खा रहे हैं, कोलकैल्सिफेरॉल साइनाकोबलामाइन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ इंट्रेक्शन के चांस होते हैं। साथियों फेरिकाइंड-M सस्पेंशन कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो एक तो अगर पहले आपने कभी इस्तेमाल किया है और आपको ये साइड इफेक्ट करता है, किसी तरह का विकार शरीर में होता है, दाने पड़ जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है या आपको सूट नहीं कर रहा है या फिर जो है ऐसे केस में क्या है कि हाइपर सेंसिटिव कहते हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ साथियों क्या है कि मतलब इनटॉलरेंस ऑफ ड्रग, कहने का मतलब है कि जो मतलब अदर्स ड्रग खाते हैं और उसके साथ इसके जो इंट्रेक्शन होते हैं जैसा कि अभी हमने बताया है तो उनको जो है इसके साथ सेवन ना करें। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। साथियों ये इसका कंटेनर इस तरह की बॉटल है, इस पर ये जो है क्या कहते हैं मेजरिंग जो है वो लगा हुआ है। साथियों 5 ml मॉर्निंग एंड 5 ml इवनिंग लेना है। साथियों 148 rupees 50 paise का ये सिरप है, मार्केट में इजीली से मिल जाता है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।